नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। इस चैनल पर मैं ओरेकल और एसक्यूएल से रिलेटेड और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं कि जो जैसे कि कोई भी जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल होता है उसमें जो PDF में जो जो भी सर हैं वो जो पढ़ाते हैं वो और उसमें टिक लगाते हैं कि ये इस तरीके से जो डैश लगाते हैं जैसे कि PDF में जो ओपन करते हैं वो और उसके बाद वो कहते हैं कि ये आंसर सही है तो वो टिक लगाते हैं, तो वो कैसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है कि वो कैसे टिक लगाते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और वो कैसे वो करते हैं। ठीक है तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पहली बार ये इस चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आने वाले टिप्स एंड ट्रिक के लिए। ठीक है तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, अगले स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग और कैसे वो टिक लगाते हैं, कैसे उसमें कहीं पे भी ड्रॉ करना है तो वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे ही मोबाइल से ही कैसे पढ़ाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल में ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल होते हैं वहां पे जहां पे पढ़ाई होते हैं वहां पे कैसे वो लोग पढ़ाते हैं, PDF को कैसे ऊपर नीचे करते हैं, उसके बाद वहां पे टिक कैसे लगाते हैं वो अपने हिसाब से ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं, तो वो उसके लिए एक एप्लीकेशन है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग को प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में हम लोग को वहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन किया। ठीक है यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना ड्रॉ ऑन स्क्रीन। ठीक है ड्रॉ ऑन स्क्रीन जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टॉप पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ ऑन स्क्रीन LE थान डेट, ये जो कंपनी है ये कंपनी ने बनाया है, तो ये हम मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल्ड है। तो ये इस सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करके देखते हैं जब मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्रॉ ऑन स्क्रीन का ये वाला मेरा ओपन है। ठीक है तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने PDF फाइल जो होते हैं उसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसको ओपन करते हैं ड्रॉ ऑन स्क्रीन को। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा एक फाइल ओपन है, मेरा एक फाइल यहाँ पे जैसे कि फॉर्म वन यहाँ पे ओपन है। ऐसे कि आप मान लीजिए कि ये फाइल ये PDF पढ़ाई करने वाला है। ठीक है तो हम लोग कैसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे वो पढ़ाते हैं मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ और आप भी इंशाल्लाह आगे आप कर सकेंगे। ठीक है तो मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ, तो चलते हैं अब पहले उसको ओपन करते हैं ड्रॉ ऑन स्क्रीन को। ठीक है यहाँ पे ड्रॉ ऑन स्क्रीन यहाँ पे ओपन किया हम लोग, जैसे ड्रॉ ऑन स्क्रीन ये फीचर यहाँ पे स्टार्ट बटन है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन पे यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है तो हम लोग को कहाँ पे जाना है, हम लोग को जाना है PDF में। तो PDF में अगर जाना है तो यहाँ से अगर ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग स्लाइड करेंगे तो यहाँ से नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट बटन के नीचे यहाँ पे जस्ट आइकन बना हुआ आई का, तो ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे। ठीक है डिसेबल कर दिया, यहाँ पे ग्रीन ख़त्म हो गया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। तो हम लोग क्या करते हैं इसको इसमें से हम लोग फाइल ओपन करते हैं, जो भी PDF मान लिया कि हम लोग को फॉर्म वन ओपन करके हम लोग को पढ़ाना है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ से ओपन कर लिया। अब मान लिया कि यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो हम लोग को नेम ऑफ एप्लीकेंट के सामने यहाँ पर ड्रॉ करना है, बताना है कि यूज़र्स को जो दिख रहे हैं उसको बताना है कि यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है। ठीक है सन और वाइफ का यहाँ पे लिखना है, तो इस तरीके से आप यहाँ से, मैं उंगली से कर रहा हूँ फिंगर से कर रहा हूँ, तो आप जो है कि टच स्क्रीन वाले जो होता है मोबाइल उसमें जो होता है पेंसिल उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे टच की यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से टिक हो रहा है, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ मान लिया कि यहाँ पे टिक करना है, तो मान लिया कि यहाँ पे टिक करना है यस और नो में, तो यहाँ पे ये कर देना है, एक्टिवेट कर देना है इसको आई को,
ग्रीन कर देना, यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है, यहाँ पे यस कर देना, यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। इस तरीके से जो वो जो पढ़ाते हैं वो लोग, तो वो लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं। और फिर इसको इसको डिसेबल कर देने, इसको अगर ये एक्टिव रहता है तो यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा पीडीएफ फाइल। और ये इसको डीएक्टिव कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मूव कर दिया। वो एक्टिव और डीएक्टिव करने के बाद जो है कि वो लोग हम लोग को पढ़ाते हैं। वो जो भी लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन ट्यूटर, जो भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन, जो पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पर, जो मास्टर लोग पढ़ाते हैं, तो वो लोग इसी तरीके से ड्रॉ करके पढ़ाते हैं। और ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अगर आप करना चाहेंगे उस तरीके से जैसे वो लोग करते हैं, तो आप भी अगर वैसा करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि खाली वो जो पढ़ा रहे हैं वही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो करते हैं, आप भी इसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लेंगे, उसके बाद जो है आप अपने फाइल पीडीएफ को ओपन कर लेंगे, उसके बाद जाके ड्रॉ ऑन स्क्रीन को ओपन करेंगे। या जैसे कि यहाँ इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा, ये जो देख रहे हैं ये डीएक्टिवेट है, ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। तो इसको अगर एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे टच करेंगे, हरा वाला आएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, अगर ये लाल वाला होगा तो ये डीएक्टिवेट होगा। यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जूम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये एक्टिव है तो जूम वूम नहीं हो सकता, यहाँ पे जूम वूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अभी ट्यूटोरियल पढ़ा सकते हैं लोगों को। आपको जो भी नॉलेज है जीके जीएस का, जो भी नॉलेज है, आप लोगों को इसी तरीके से इसी टूल्स का यूज करके आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, आगे आने वाले बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।